हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आप लोग ये देख सकते हैं कि अभी तक ये जो है ऑफिशियल साइट ये ओपन नहीं हुआ है, लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं है। जो है मैंने बोला था फ्रेंड्स कि ये जल्दी ओपन हो जाएगा, लेकिन पता नहीं ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक अश्विन लगातार इस पर जो है अपना साइट वो खोल रहे, रिजल्ट देखने की पूरी कोशिश कर रहे। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर रिजल्ट देखा भी है, अगर नहीं भी देखा है, काफ़ी अश्विन ने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन कुछ अश्विन ने रिजल्ट देख लिया है, इसमें बहुत बड़ा जो है मिस्टेक हुआ है, रिजल्ट में बहुत बड़ी गलती हुई है। और वो गलती कहाँ पे हुई है उसके बारे में डिटेल आ गई है, तो एक एक डिटेल मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, आप लोग डिटेल खुद भी पढ़ सकते हैं या फिर क्या है। और उसको डिजिटल ने अपडेट भी किया है और उसको जो है ठीक भी किया है, लेकिन वो ठीक करने के बाद पहले ये गलती थी कहाँ, ताकि आप लोग को खुद पता चले। जब आप रिजल्ट देखिएगा तो आपको समझ आ जाए कि हाँ, यहाँ मेरा जो है मिस्टेक था, अब इसको सुधारा जाएगा या फिर सुधारा गया है या फिर नहीं। क्योंकि रिजल्ट देखने के बाद यदि आपको पहले से पता नहीं हुआ कि क्या मिस्टेक है, फिर आप लोग का वही रिजल्ट रह जाएगा, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले आप जान लीजिए कि क्या मिस्टेक है। तो वीडियो आप अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो अपडेट्स आई है बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है आप लोगों के लिए। जितने छात्र का रिजल्ट आया फ्रेंड्स, आप लोग के साथ फिर से एक बार मिस्टेक हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते, बताया गया कि ITI 200 पेपर में मिले 206 नंबर। आखिर ये मिस्टेक कैसा है फ्रेंड्स, मैं आप लोग को यहाँ पर पूरा डिटेल बताने वाली हूँ। आप देख सकते, यहाँ बताया कि राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार की ओर से रविवार को देर रात ITI परीक्षा का जो है वो परिणाम घोषित किया गया। ये सभी को पता है कि देर रात को जो है परिणाम घोषित किया गया था ITI का। वर्ष 2018 से 20 सत्र की ऑनलाइन परीक्षा फरवरी से मार्च के बीच हुई थी। लखनऊ के 6000 विद्यार्थियों के साथ ही सूबे के 5 लाख विद्यार्थियों को परिणाम का बेसब्री से इंतजार था। विद्यार्थी परिषद की वेबसाइट ncbtms.government.in पर परिणाम देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई फ्रेंड्स, ये सब सभी को पता है कि रिजल्ट जो है वो आ चुकी है। उसके बाद हम बताया कि परिणाम घोषित तो होते ही एक और फिर गलतियों का पिटारा भी खुल गया। जी हाँ, यानी कि कोई भी चीज़ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए अच्छी नहीं हो सकती है। अगर आप ये सोच सकते हो कि आप लोग की जो है वो अच्छी तरीके से परीक्षा हो जाए और बहुत ही ईजी वे में रिजल्ट आए, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसके लिए भी आप लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा कि आखिर हर साल जो है ऐसा मिस्टेक क्यों होता है और सभी छात्रों के साथ क्यों नहीं होता है। आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर साफ साफ क्या बताया गया है कि हर साल की तरह इस साल भी ITI का जैसे ही रिजल्ट आया तो उसमें गलतियों का पिटारा फिर से खुल गया है। और क्या गलती हुई है, यहाँ देख सकते हैं, अलीगढ़ ITI ने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की परीक्षा देने वाले संदीप चौधरी ने परिषद की वेबसाइट पर परिणाम देखा तो उनके पैर से जमीन खिसक गई। यानी कि जो यहाँ पे संदीप चौधरी हैं, उन्होंने जो है रिजल्ट अपना देखा, वो इलेक्ट्रिशियन के छात्र हैं अलीगढ़ से, उन्होंने अपना रिजल्ट देखा और जैसे ही उन्होंने रिजल्ट देखा तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। आखिर क्यों खिसक गई फ्रेंड्स, यहाँ बताया गया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के 200 के पेपर में उन्हें 206 नंबर मिले हैं। जी हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पर 200 के जो यहाँ पे मार्क्स आप लोग देख सकते हैं कि जितना भी आप लोग का फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो था उसमें 200 का ही टोटल मार्क्स था, 200 हाईएस्ट मार्क्स, लेकिन उनको 206 मार्क्स मिले हैं। तो ये कैसे मिला है, आखिर ये इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं। 200 का जब फुल मार्क्स है तो किसी स्टूडेंट को 206 मार्क्स, मतलब जितना फुल मार्क्स है उससे ज़्यादा मार्क्स कैसे आ सकता है। तो इसमें फ्रेंड्स एक मिस्टेक थी, बहुत बड़ी मिस्टेक थी, वो क्या थी मैं आप लोग को बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या थी फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले आप लोगों को रिजल्ट दिखाया था, रिजल्ट में मैंने बोला था कि ये जो 650 का मार्क्स है ये 650 नहीं होगा, ये 700 का होगा। और वो 700 कैसे आएगा, इसी में से जो आप लोग का ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है उसमें 200 का नहीं होकर के 250 का ये पेपर होना चाहिए, यानी कि इसका हाईएस्ट मार्क जो है वो 250 होना चाहिए। और इसीलिए उनका जो है ये मिस्टेक हो रहा है, यानी कि उन्होंने 250 में 206 नंबर जो है पाए हैं, ऐसा नहीं है कि 200 में उनको 206 नंबर मिला है। ये जो है यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये 250 की जगह पे यहाँ पे 200 लिखा गया था जो रिजल्ट आया है उसमें। यहाँ पे इस पेपर की बात हम नहीं कर रहे हैं, जब रिजल्ट आया था उसमें इस तरीके का जो है प्रॉब्लम हुआ था, 250 वहाँ पर होना चाहिए था उसका मार्क्स, लेकिन 200 हो गया था। तो इसीलिए स्टूडेंट भी कन्फ्यूज हो गए कि अगर 200 का है तो फिर 206 मार्क्स कैसे आ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हुई थी।
उसके बाद यहाँ बताया गया कि अब वह सोमवार को आईटीआई जाकर उसकी शिकायत करेंगे। अकेले संदीप ही नहीं, इसी ट्रेड के अजय कुमार को भी इसी विषय में 200 में 240 नंबर जो है वो मिले हैं। उसके बाद बताया गया यहाँ कि 2017 में कंप्यूटर की गड़बड़ी से विद्यार्थियों को 0 नंबर मिले थे। जी हाँ, इसके पहले मैंने बोला था हर एक वीडियो में कि जैस 2017 में यानी कि इसके पहले जब रिजल्ट आया था तो उसमें बहुत सारे अधिकतर छात्र को जो है गड़बड़ी के कारण जो है सभी में 0 मार्क्स उनको मिल गया था। उसको सुधारने में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कम से कम 2 से 3 महीने लगे थे सिर्फ उसको सुधारने में। विद्यार्थियों के महीनों दौड़ने के बाद अंक पत्र संशोधन हो सका था। एक बार फिर ऐसी गड़बड़ी सामने आने से परिणाम पर भी सवाल उठने लगे हैं। राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद के संयुक्त निदेशक SSC तिवारी ने बताया कि अभी उन्होंने परिणाम नहीं देखा है। यदि ऐसा है तो सोमवार को परिषद को ईमेल के माध्यम से गड़बड़ी की जानकारी दी जाएगी। पहली बार ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया था। लखनऊ के 6,000 और प्रदेश के 5,00,000 विद्यार्थियों परीक्षा में बैठे थे। पहली बार जो है ये ऑनलाइन क्लासेस चली थी, आप लोगों को भी पता है फ्रेंड्स, और परीक्षा भी अब पहली बार आप लोग की जो है ऑनलाइन ली गई है। तो ये सारा चीज़ जो है कोरोना के कारण क्लासेस भी ऑनलाइन हो रहे हैं, परीक्षा भी ऑनलाइन हो रही है, सारा कुछ ये पहली बार हो रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा मिस्टेक नहीं करना चाहिए DGT ने। हालांकि इसको बहुत जल्दी सुधार लिया, इसको जो है सुधार दिया गया है। ये जो 200 का था उसको अपडेट कर दिया गया है और अपडेट करके इसको 250 बना दिया गया है। और उसके बाद जो है नया रिजल्ट वो अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी मिस्टेक फ्रेंड्स हर साल अगर होती है तो इसमें क्या है, आखिर ITI के छात्रों के साथ ही ऐसा मिस्टेक क्यों होता है? अगर मान लीजिए अभी ये अपडेट नहीं होता तो इसको कम से कम अपडेट कराने में रिजल्ट इतना लेट से आया है, इसलिए DGT ने इसको जो है बहुत जल्दी अपडेट कर दिया। अगर रिजल्ट जो है लेट से नहीं आता तो इसको सिर्फ और सिर्फ अपडेट करने में 2 महीने का टाइम DGT लेती। तो ITI के छात्रों का जो है इतना टाइम खराब क्यों किया जा रहा है, आप लोग को इस पर भी ज़रूर आवाज़ उठाना चाहिए। अगर एग्ज़ाम पहले तो एग्ज़ाम जो है फ्रेंड्स आप लोग का सारा रिजल्ट वगैरह 2020 में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन 2020 में नहीं होकर के 2021 में, वो भी 2021 में कब, जबकि आप लोग को पता है कि मई भी जो है वो बीत गया, अब जून आ गया है और जून में जो है आप लोग का रिजल्ट वो जो है आया है आप लोग का। तो मई लास्ट में रिजल्ट दिया है DGT ने, फिर भी इतना टाइम लगा रिजल्ट आने में, इतना दिन से कॉपी चेक हो रहा था, इतना दिन से रिजल्ट तैयार हो रहा था, फिर भी मिस्टेक कैसे होती है? मतलब इतनी बड़ी मिस्टेक कि कोई जो है किसी का हाईएस्ट मार्क 250 है उसको 200 नंबर जो है वो उसमें प्रिंट हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर अगर आप लोग को मैं बता दूँ कि 10th का 12th का जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें तो जैसे ही एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद ही रिजल्ट आता है, 2 महीने के बाद ही मान लीजिए कि रिजल्ट आ जाता है, उसमें तो कोई मिस्टेक नहीं रहती। और ITI में 1 साल से जो है परीक्षा और रिजल्ट की तैयारी हो रही है, फिर भी इतनी बड़ी मिस्टेक हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। काफ़ी जो है ITI के लोग सभी लापरवाह है और ITI के छात्रों पे उतने ध्यान जो है वो नहीं दे रहे। फ्रेंड्स आप लोग का इस पे क्या राय है आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही, थैंक यू।